अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का इरादा रखते हैं तो फौरी अपने इरादे को तर्क करें, क्योंकि आए दिन इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने के वाकयात से खरीदारों में तश्वीश और बरहमी पाई जा रही है। जिले जगदियाल में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक बाइक महज 5 मिनट के अंदर शोलापोश हो गई, जबकि आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इस इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग नहीं बुझ पाई और इस बाइक की डिक्की में रखी रकम भी जलकर खाकस्तर हो गई। చార్జింగ్ ఐక్యూబ్ తీసుకున్నాము, 1,22,000 పెట్టి తీసుకున్నాము, 1 మంత్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ 30% చార్జింగ్ ఉన్నది. చార్జింగ్ ఉన్నాక చార్జింగ్ పెట్టినాము, ఇట్లా పక్క బండి పెరట్లకు పోదామని వెళ్ళినాము. వెళ్ళి వచ్చే వరకు మొత్తం ఫైర్ అయింది. ఫైర్ అయిందని ఏందని చూసే వరకు ఇక్కడ రేపు మక్క పెడదామని ఒక 20 బస్తాలు మక్కలు తెచ్చినాము, ప్లస్ అడుగు మందు ట్రాక్టర్ సంబంధించిన మన కాదు. इलेक्ट्रिक बाइक्स में आग लगने के बढ़ते हुए वाकयात ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। जहां ये बाइक्स माहौलियाती तहफूस और ईंधन की बचत का जरिया है, वहीं इनकी गैर मियारी तैयारी और नाकिस मटेरियल खतरनाक नतायज का सब बन रहे हैं। कम मियार की लेथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल की जा रही है, जो ज्यादा गर्म होने के बाइस आग पकड़ लेती है। गैर मियारी चार्जर्स और ओवर चार्जिंग भी बैटरीज को नुकसान पहुंचाकर हादसात का बाइस बन रहे हैं। हमेशा मोतबर और तस्लीम शुदा ब्रांड की बाइक्स खरीदें। खरीदारी से पहले बैटरी की क्वालिटी और सर्टिफिकेट को यकीनी बनाएं। यूं तो इलेक्ट्रिक बाइक्स एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनकी हिफाजत और मियारी तैयारी पर समझौता ना करें। खरीदारों को चाहिए कि वो अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज रखने के लिए जिम्मेदारी का मुशायरा करें। अगर हम एहतियात से खरीदारी करें और मियारी मसनूआत का इंतखाब करें तो इन हादसा से बचा जा सकता है। చూడండి బయలు కాదు చార్జింగ్ బండి నీళ్ళు కొడదామా అన్నమా నీళ్ళు కొడదామా నీళ్ళు కొట్ట निवेश है। 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024 रेवंत रेड्डी जी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश? हैदराबाद के पुराने शहर में आए दिन नॉमिनी मामिनी बातों पर मारपीट और गुंडागर्दी के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो मंजरियाम पर आया है, जिसमें कुछ ग्राहकों ने इलाके बल्लागुड़े की एक होटल में मामिनी बात पर वेटर्स को बेरहमी से ज़दोकोब किया है। इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें वाजे तौर पर दिखाया गया है कि वेटर्स को किसी बात पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। यहाँ यह तस्करा जरूरी होगा कि होटल में काम करने वाले मजदूर, जो पहले ही मौसी मुश्किल से दो चार है, इन पर इस किस्म के जुल्म का तस्वुर ही इंतहाई अफसोसनाक है। ये वाकया न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि मौसरती रवैयों की नाकामी को भी अया करता है। कस्टमर्स का ये रवैया इस बात की निशानदेही करता है कि गुंडागर्दी अब मौसरती सतह पर सरायत कर चुकी है, जहाँ किसी कमजोर या गरीब इंसान को निशाना बनाना एक आम सी बात समझी जा रही है। पुलिस और हुकाम के लिए जरूरी है कि फौरी कार्रवाई करते हुए इस तरह के गुंडा अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि आइंदा कोई मजदूर तबके पर जुर्म करने की जरूरत ना कर सके। ये सवाल अब हम सब के लिए अहम है
क्या हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां गरीब और मेहनत कश अफराद पर जुल्म आम हो? अगर नहीं तो हमें ऐसे रवैयों के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शर्मा न्यूज। शहर हैदराबाद में फूड सेफ्टी हुकाम और जीएचएमसी अहदेदारान की मुसलसिल कार्रवाइयों के बावजूद बाज होटलों और टिफिन सेंटर मालिकान के खिलाफ शिकायत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह से इलाके केपीएचपी के करीब वाके मधुराम टिफिन सेंटर के खिलाफ एक ग्राहक दया अर्जुन नामी ने शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि इनके ऑर्डर में कॉकरोच पाया गया, जिसकी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस शिकायत के बाद फूड सेफ्टी हुकाम ने फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया है। यहाँ यह तस्करा जरूरी होगा कि होटलों और ठेलाबंडियों पर फरोख्त होने वाले नाकिस और गैर मियारी खाने की अशिया की जांच पड़ताल में इजाफा हुआ है और खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद के मसरूफ तरीन चौराहों में शामिल पुराना पुल चौरस्ता ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का मरकज बन चुका है, जहां शब रोज अवाम का हजूम रहता है। एक से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस अहलकारों की तैनाती के बावजूद यहां ट्रैफिक निज़ाम बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। राहगीरों के लिए इस चौराहे को अबूर करना इंतहाई दुशवार हो चुका है, जबकि पुराना पुल पर हॉकर्स और गाहकों की मौजूदगी ट्रैफिक के मसायल को मजीद पेचीदा बना रही है। ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी हुकाम कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने में नाकाम नजर आते हैं। इस मसले के हल के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल से नस्ब करके ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाए, जबकि जीएचएमसी हुकाम को चाहिए कि वह गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुराना पुल को ट्रैफिक के लिए बहाल करें, ताकि इस इलाके में मौजूद ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो सके। ये वीडियो लखनऊ के पीजीआई इलाके का है, जहां देखा जा सकता है कि किस तरह से कार में मौजूद ड्राइवर ने सड़क पर खुलेआम स्कूटर को टक्कर मारकर उसे घसीट कर ले जा रहा है, जबकि लोगों ने इस मामले में मुदाखलत कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस सरफिरे ड्राइवर ने अपनी कार की रफ्तार को मजीद तेज कर सड़क पर तमाशा करता रहा। यह वाकया लखनऊ के किशनपात इलाके का बताया गया है, जब इस कार ड्राइवर ने एक स्कूटर को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में दो अफराद जख्मी हो गए, लेकिन उनकी ये बाइक कार बॉनेट पर फंस गई। बावजूद इसके कार ड्राइवर नहीं रुका और स्कूटर को तकरीबन आधा किलोमीटर तक घसीटता रहा, जिसके 22 लोगों में खौफ और हरास की लहर दौड़ गई। बाद अजा पुलिस ने कार का पीछा कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जिसकी शनाख्त चंद्र प्रकाश की हैसियत से की गई है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले का बताया गया है। तमाम पुलिस ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर मसरूफ इख्तियार है। हैदराबाद के इलाके मल्लापल्ली में टास्क फोर्स टीम ने चार अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए मालियती नकली तंबाकू और 5.5 लाख रुपए नकद रकम को बरामद किया। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले चार अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने गुज़िश्ता 3 साल से रियासत तेलंगाना में नकली तंबाकू को पान शॉप्स पर फरोख्त करने का एतराफ़ किया, जिस पर टास्क फोर्स ने उन्हें हिरासत में लेकर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। बताया गया कि गुज़िश्ता कई माह से हैदराबाद में नकली तंबाकू फरोख्त किया जा रहा था और कई पान शॉप्स पर इन तंबाकू को असली होने का दावा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर धोखा दे रहे थे। आखिरकार पुलिस ने इसके पर्दा रैकेट के बेनकाब करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। क्या
Thank you.